नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं स्टार 7 टीवी न्यूज। आइए हम नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। समर कैंप के माध्यम से होता है बच्चों का सर्वांगीण विकास, बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्रों को किया गया सम्मानित। ग्रीन व्यू पब्लिक स्कूल में 10 दिवसीय ग्रीष्मकालीन समर कैंप का आयोजन किया गया। सोमवार को समर कैंप का समापन हुआ। समर कैंप में छात्र छात्राओं ने विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर ग्रीष्मकालीन समर कैंप में छात्रों को म्यूजिकल चेयर, कैंडी रेस, डक रेस, योगा, चित्रकला व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में जानकारी दी गई। इसके साथ ही छात्रों से सड़क सुरक्षा और चित्रकला पर अपने विचार रखने को कहा गया। समर कैंप में छात्र छात्राओं को काफी कुछ सीखने को मिला। बच्चों ने कैंप का खूब आनंद लिया। विद्यालय की अध्यापिकाओं ने कहा कि समर कैंप के माध्यम से बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। विद्यार्थियों के लिए यह ऐसा समय है जो अमूल्य है। उन्होंने कहा कि समय के अर्थ को समझना चाहिए और अपने अमूल्य समय को व्यर्थ करने के स्थान पर अथक श्रम करना चाहिए। इस दौरान बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। समर कैंप में पहुंचे अभिभावकों ने भी अपने विचार को व्यक्त किया और कहा कि इस तरीके के कार्यक्रम पर सभी अध्यापिकाओं की सराहना की। इस मौके पर विद्यालय के प्रबंधक अब्दुल कादिर अंसारी, प्रिंसिपल रेणु बाला भरतलाल, रामराज, दिव्या, सरिता, शायरा, रजनीका जायसवाल, शाहजाद, गौरव, जरीना, समरीन, अर्चना, मोना, शफाक, अभिषेक, सुमैया, दीक्षा, डोली, राणा, तस्नीम, उरुषा आदि अध्यापक व अध्यापिकाएं मौजूद रहे। भदोही से उबैदुल्लाह असरी की रिपोर्ट। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए बने रहिए स्टार 7 टीवी न्यूज के साथ।